एक बहुत अफसोसनाक वाकया है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ आपको कि कितने भी बड़े शहर हैं, जो भी जितने बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद हो गया या दूसरे बहुत बड़े शहर हैं, उनमें हैवी ट्रांसपोर्ट दिन के टाइम बंद होती है, लेकिन जब रात होती है तो वो हैवी ट्रांसपोर्ट खोली जाती है। लेकिन अगर कोई यतीमों का शहर बोला जाए वो कराची है। यहाँ पे जो कानून पे अमल करवाने वाले हैं वो खुद कानून तोड़ते हैं, और जो क्योंकि यहाँ पे अंधेर नगरी है, यहाँ पे 50 रुपए तो कितना बड़ा भी ट्रक हो वो जा सकता है, उसको इजाजत है। और पता नहीं कितने ट्रकों ने, टैंकरों ने, बसों ने लोगों की जान ले ली है, और सब खामोश हैं, कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। अफसोसनाक वाक्य हुआ है 3 दिन पहले, जो कि 2 भाई थे, चश्मे का काम करते थे, फासले के ऊपर एक टैंकर आता है स्पीड में और एक भाई को कुचल देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जब उसको जिना लेके जाया जाता है तो 6 घंटे उसके वहां जाया होते हैं, वहां पे कोई खास ट्रीटमेंट होता नहीं है, फिर ट्रामा सेंटर लेके जाते हैं, वहां पे उनका टाइम जाया किया जाता है। लेकिन बेचारा जो के काम ही सिर्फ चश्मों का करता था, उसको मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, क्योंकि उसको अपने भाई की जिंदगी बचानी थी। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था 6 घंटे जिना में रखने के बाद पता नहीं कितना ब्लड जाया हो चुका था उसका। जब दूसरे हॉस्पिटल लाए, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो उसकी एक टांग काटी गई, दूसरी टांग में जंगला लगाया गया कि इंशाल्लाह अगर ठीक हुई ठीक है, नहीं तो बाद में हो सकता है, अल्लाह ना करे वो काटनी पड़े। और मेरे से उन्होंने अपील की है कि प्लीज़ मेरे भाई के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि हॉस्पिटल ने हमसे तकरीबन 5 लाख रुपये बोले थे, जिसमें से हम तकरीबन 180-190 जमा कर चुके हैं, और हम दोनों भाई चश्मे का काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपना घर बार चलाएं, लेकिन वो बहुत परेशान है। जो भी इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहे प्लीज़ लाजमी डालें, और उनकी तरफ से जिन्होंने ये किया है उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं है। पुलिस का काम था बस FIR काटना, और FIR काटने के बाद वो चुप हो गए। मेरी लोगों से दरख्वास्त है, प्लीज़ इनके लिए अगर कुछ कर सकें लाजमी आ जाएं। अल्लाह हाफिज़।